नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स चौक। अब मुंबई इंडियंस की टीम बाहर हो चुकी है आईपीएल 2022 के प्लेऑफ की रेस से, लेकिन अगली बारी किसका है? सवाल आ रहे हैं कि अगली बारी किस टीम की है, तो इसका जवाब है मे बी चेन्नई सुपर किंग्स। वो इसलिए क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बाहर हुई है प्लेऑफ की रेस से, लेकिन आप मानकर चलिए कि चेन्नई सुपर किंग्स के भी प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस कम हैं। 10 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स के इस समय 6 अंक है, 3 जीत और 7 हार है टीम के, ठीक है। अब बाद बाकी के बचे हैं 4 मुकाबले, डीसी, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, इन 4 टीम्स के खिलाफ जो है चेन्नई सुपर किंग्स को खेलना है। अब चारों टीम के साथ ऐसा तो नहीं है कि सबके 100-100 रन से हराएंगे या 50 रन से हराएंगे या 10-10 विकेट से जीतेंगे, ऐसा नहीं होता है। आम तौर पर नहीं होता है कि आप बाद बाकी चारों मुकाबले जो है ऐसा जीत गए, 10 विकेट से जीत गए, 100 रन से जीत गए, ऐसा नहीं होता है। ये फैक्ट वाली बात है, आपको स्वीकारना पड़ेगा, प्रैक्टिकली होता नहीं है सर। तो अगर मान लीजिए कि बढ़िया अंतर से जीत भी गए तो टीम के टोटल होंगे कितना, 4 मैचों में अगर चारों जीत गए तो 8 अंक होंगे, 8×6=14 टोटल होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के 14 अंक, ठीक है। तब आपको कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा और दूसरी टीम के जीतने और हारने पर जो है आपको माथा पच्ची करनी पड़ेगी। और जिस तरीके के इस समय फॉर्म से चेन्नई सुपर किंग्स टीम गुजर रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपना बेस्ट दे रही है। अगर आपने अपना बेस्ट दिया होता चाहे बॉलिंग में, बैटिंग में या फील्डिंग में, तो चेन्नई सुपर किंग्स का ये हाल नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि जो चेन्नई के फैंस हैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं पालना चाहिए और अगले सीजन के लिए तैयार हो जाना चाहिए मेंटली तौर पर, क्योंकि इस सीजन जो है चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं। और अगर पहुंच भी ये टीम जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी खुश, हम भी खुश और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस भी खुश। देखते हैं आगे होता क्या क्या है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।